नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। होटी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। JSLPS के GPM के द्वारा शुरुआत में स्वागत अभिभाषण दिया गया, जिसके बाद रोजगार सृजन मेला में लगाए गए 20 कंपनियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्टॉल पर उपलब्ध नियोक्ताओं और अभ्यर्थियों से जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर DDC ने कहा कि गिरिडीह जिले के युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिले में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जिले के युवाओं को चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराया जा सके, जिससे कि उनका भविष्य बेहतर हो सके। कई अहम प्रयास सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। मौके पर DPM ने कहा कि जिला तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने रोजगार मेले में शामिल सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि निबंधित छात्र छात्राओं का डेटा संग्रह करते हुए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराने का कार्य करेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसर को गंभीरता से लेने को भी कहा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मेले में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 2417 युवक युवतियों ने निबंधन कराया, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं के द्वारा ऑन स्पॉट 1229 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर प्लेसमेंट पदाधिकारी साई दत्ता, JSLPS की कौशल विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मी आदि मौजूद रहे। झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। आज यहाँ आयोजित जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। 18 एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है 1100 अभ्यर्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। मुझे बताया गया है कि उनमें से कईयों को आज ही नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो JSLPS के तत्वावधान में हो रहा है, जिसके लिए JSLPS बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से अभ्यर्थी जो हैं वो लाभान्वित हों, अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें, अच्छे स्किल सेट्स गेन करें और पुनः उम्मीद करता हूँ कि वापस गिरिडीह में वो एंटरप्रेन्योरशिप को टेकअप करते हुए लोकल इकोनॉमी में और ज़्यादा योगदान दें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।